का माहौल है, काम का माहौल है, जनता वहां पर जैसे अरुण कह रहे थे कुर्ते पजामे लेकर अब पहुंच गई है, क्या होगी नेतागिरी? देखिए रूबिका, निश्चित तौर पर यहां पर बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि पिछले कई दिनों से टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार यहां पर हलचल चली हुई थी, लेकिन इसमें बैठकों का भी दौर चल रहा है बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि लगातार दिल्ली में तो सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब पिछले करीब 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ बची है उसको लेकर भी मंथन बीजेपी हेडक्वार्टर में भी चल रहा है और प्रदेश कार्यालय में भी लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो है वो कार्यकर्ता है बीजेपी की, हम चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं जो अनाउंसमेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बीजेपी तैयार है इस बार? बीजेपी अभी से नहीं, बीजेपी को तैयारी बहुत देर हो गई होते हुए, और हम इतने आश्वस्त हैं बीजेपी को लेकर के क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में इस देश के लिए किया है अभूतपूर्व है, सब एक एक जन देश का उसकी प्रशंसा करता है, उनमें विश्वास रखता है, मोदी जी की गारंटी सबको भाती है, तो पूर्णतः विश्वास है कि 2024 की तीसरी बार की सरकार भाजपा की मोदी जी की आने वाली है। तो तीसरी बार ये आश्वस्त हैं, और ये देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता, ये एक बार मैं दिखाऊं जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुई है, देखिए ये किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, मैं दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न भी कहें तैयारी भी कहें वो तमाम चीजें यहाँ पर चल रही हैं। और कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा, इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो हुआ है क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, हर्ष मल्होत्रा जी को, हमारे कमल जी सहरावत को, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला है। आज जो अनाउंसमेंट हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बताना चाहूंगी कि खुशियों का दिन है, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा का जन्मदिन है, और हम मिठाई बांट के आपको भी खिलाएंगे, आपके चैनल वालों को भी खिलाएंगे, और हम आज खुशी से कब नेताओं का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अनाउंसमेंट रवि बस पे दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कल होने वाला है। आज सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इतने फेजेस में चुनाव इन इन राज्यों में हो सकता है, उन उन तारीखों पर, मतलब जो मुहर है वो कल 3 बजे लगने वाली है। हमारे साथ लखनऊ से अमित सिंह जुड़े हुए थे, रवि सिंह और अरुण सिंह को आपने सुन लिया, मनोज शर्मा का रुख करते हैं। इनफैक्ट मनोज का रुख करूं उससे पहले मुझे जयपुर से तस्वीरें दिख रही है, भवानी जहां पर मौजूद है उनके साथ कुछ लोग हैं, ये वोटर्स है कि नेता है भवानी? देखिए रूबिका, मेरे साथ हैं उसमें से बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम आदमी भी हैं। पहले मैं आपको बीजेपी के नेताओं से ही बात करा देता हूं, अब तो अनाउंसमेंट कल हो ही रहा है, धड़कन कितनी बढ़ रही है? हमारी धड़कनें नहीं बढ़ रही, हमारी एक आपको बात बताएं, पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं, जो हमारे मोदी जी ने उद्घोष किया है अब की बार 400 पार, इसके लिए हम ही नहीं विपक्ष भी आश्वस्त है कि अब की बार ये 400 पार हो रहे हैं, जो खड़गे जी ने अपने संसद में कहा भी है। 400 पार की बात करें, राजस्थान में 25 पार होंगे, 25 होंगी नहीं होगी, 100% 25 पार होगी, और उसकी शुरुआत तो कहां से करेंगे, 25 ही मिलनी है, 25 हैट्रिक लगेगी आपको लगता है? निश्चित रूप से हैट्रिक भी लगेगी, 25 सीटें हमें पूर्ण रूप से मिलेगी भी सही। आज आपने एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान में देखा होगा, माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है, 2% वेट की जो राहत मिली है, इससे भी हमारे वो तय हो चुका है कि भाई यह राजस्थान पूरी तरह से तैयार है, चुनाव में फायदा होगा। आम आदमी के नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, आपको क्या लगता है कि अब की बार कैसे कांटे का मुकाबला रहेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है बीजेपी को मिलेगी? बिल्कुल, सारी सीटें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी को ही मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्यों नहीं रहा कि कांग्रेस फाइट में नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी की स्कीमें बहुत छोटी छोटी योजना है जो मोदी जी ने युवाओं के लिए इसके लिए, मोदी जी का हर संबोधन जो होता है जिसमें युवा शक्ति पर जोर दिया जाता है, तो मैं एक युवा होने के नाते बोलना चाहूंगा कि मोदी जी को ही हम जिता के यहाँ से प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे। अलग 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 लोग, अलग अलग यहाँ पर व्यूज आपको नजर आ रहे हैं, एक युवा है जो कह रहे हैं कि उनकी स्कीमें, यूथ से जुड़ने का तरीका मोदी का हमें पसंद है और इसीलिए हम उनको वोट करेंगे। वहां आप देख रहे हैं भी कांग्रेस दफ्तर में अरुण मौजूद है, अरुण कह रहे हैं, अरुण के साथ जो लोग मौजूद है कह रहे हैं कि बस तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा।
कि सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। तो अलग अलग किस्म के आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स, यहाँ पर रिएक्शंस सुनने और जानने को मिल रहे हैं। भोपाल का रुख कर लेते हैं, वहां पर मेरे सहयोगी मनोज मौजूद है। मनोज, तारीखों का ऐलान कल होगा, सुगबुगाहट आज से शुरू हो गई है, किस तरीके से इस वक्त चाहे वो राजनीतिक खेमा हो, चाहे वो वोटरों का अपना इरादा हो, क्या नजर आ रहा है? नजारा हम आपको पहले भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में दिखाएंगे। एक बीजेपी के अलग अलग वॉर रूम चल रहे हैं, हर तरह से, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, सब में बैठ के रणनीतियां बन रही हैं कि कैसे। बीजेपी ने एक नारा मध्य प्रदेश के लिए दिया है 29 में से 29 सीट जीतने का, अभी तक 28 सीटें बीजेपी के पास है। हम आपके वॉर रूम में आ जाए सर। बस विनोद गोटिया जी हैं ये, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के खासतौर से महाकौशल इलाके से कद्दावर नेता हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो चुनाव की तारीखें भी आ गई, मतलब क्या आपको इस बार, आप लोगों की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण तैयारी है 29 की 29 सीट जीतने की। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी निश्चित किए हैं, और मैं जिस तरीके से फील्ड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सीटों का क्लस्टर बनाने के बाद हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारियों के दौरे हो रहे हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा आपकी बार 400 पार, और उसको लेके हम आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में हम 100% रिजल्ट देने वाले हैं इस बार, कोई राजनीतिक ताकत हमको रोकने की स्थिति में नहीं है। जीतू पटवारी पीसीसी के अध्यक्ष है, वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने वादे पूरे नहीं किए। जीतू पटवारी इंदौर से आते हैं, इंदौर में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं बचा है कोई, सारी की सारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गई है। और इसलिए उनको ये ध्यान रखना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वादे पूरे नहीं करती तो लोग आंखों में पट्टी बांध के नहीं चले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये रोज आपके दफ्तर में एक जलसा होता है कि कांग्रेस से अमुक नेता बीजेपी में आ गया, ये क्यों, मतलब चुनाव के पहले? ये सब चुनाव के पहले कारण नहीं है, कारण जब आप देखेंगे कि धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक जो नेगेटिव स्टैंड कांग्रेस का रहा है इस देश के अंदर, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को कांग्रेस के भीतर मरा हुआ महसूस कर रहा है, उसकी आत्मा मर गई है, और इसलिए लोग वहां से छोड़ के यहां